आज मैं एक ऐसे कॉफ़ी शॉप पे हूँ जो कि सनी सस्पेंशन ब्रिज के साथ है। आपने पत्थर का सनम तो सुना होगा, लेकिन फिजिकली मैं आज आपको दिखाता हूँ। ये हमारे भाई हैं, भाई का नाम क्या है? अमजद अली खान की ये कॉफ़ी शॉप है और यहाँ पे रॉक मेमोरी इन्होंने सेव करके रखा हुआ है याददाश्त के लिए। तो आए हम इनसे पूछते हैं, अमजद भाई आपने ये कब स्टार्ट किया था? सर ये इतफाक़न शुरू हो गया इस पत्थर की ऑस्ट्रेलिया की खातून थी, उसने ये बना के इधर रखा, फिर मुझे कुछ फीस दे दिया कि ये अपने पार्क में खुद रखो। तो इसी तरह से होते हुए ये आपके सामने सर ये बढ़ते जा रहा है। तो ये कहानी है। और ये आपकी चाय की स्पेशलिटी भी बताते हैं। स्पेशल कप चाय सिर्फ आपके लिए। इसमें मैंने मिक्स किया है प्यार का पानी और खुशियों का दूध और मोहब्बत की पत्ती, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं है, वो है चीनी, क्योंकि आप खुद इतने मीठे हैं कि चीनी की ज़रूरत भी नहीं। वाह क्या बात है अमजद भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त लिखा है। तो अमजद भाई, ये आपने जो रॉक मेमोरी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, आपने कई सालों से इसको यहाँ पे रखा है, मैं आपको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। अफशां एंड साजिद लाहौर, और ये एक जापानीज में लिखा हुआ है। सना माजिद इरी SUNAD, इसी तरह है जी महविश एंड हीरा अमरा मैमुना, ये लम्स के स्टूडेंट्स आए थे जी, लम्स मार्कोर्स 22/3/2019 को इन्होंने विज़िट किया है और यहाँ पे अपने नाम का पत्थर इन्होंने रखा है। इसी तरह आप देख सकते हैं सैकड़ों में यहाँ पे पत्थर है जिन पे इन्होंने अपने नाम, एड्रेस और कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जो कि अपने महबूब के लिए, अपने सनम के लिए कुछ लोगों ने लिख के यहाँ छोड़ा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जी, लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ देखी है। अमजद भाई ने ये हज़ारों में है, सैकड़ों में नहीं हज़ारों में है, मैं आपको दिखाता हूँ। लोग आते हैं दोबारा से आके ये चीज़ें देख के जाते हैं अपने नाम सर, वो अपने मोबाइल में लिखते वक्त मोबाइल में सेव करते हैं, फिर जो ना आके फिर दोबारा जब भी आते कि वो यहाँ पे किधर है मेरा मेमोरी अप्रोक्स, फिर मैं जो ना मैं मोबाइल के तरीके सेव दिखा के फिर जो ना उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप इजीली इसको ढूंढ लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं और उनको अपना पत्थर दिखा देते हैं। जी सर, बहुत ज़बरदस्त। इससे इनका थोड़ा सा इनकम भी हो जाता है जी, ये 300-400 रुपये ले लेते हैं और ये लाइफ टाइम के लिए यहाँ इनको सेव रखते हैं। जब आप वापस आएंगे तो आप अपनी पत्थर फाइंड कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जो कि पत्थर पे नक्श जो कहते हैं, उसी तरह का मामला है जी। बहुत सारे पत्थर हैं जी आपके पास। अंजद भाई, जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज पे, तो वो आपके साथ दोस्ताना फ्रेंडली एंजॉय करके जाते हैं? मैं बिल्कुल फ्रेंडली उनके साथ होते हुए, तो फिर जो ना इस रॉक्स के साथ आपके सामने खड़ा हूँ, आप इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मैं क्या हूँ और ये रॉक्स क्या है। और यहाँ पे चाय लोकल डाउडो जो पर ऑनर आते हुए जाते थे कॉफी लाइक करते हैं। अच्छा। ये सारे अभी ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और ये मलेशिया और यूके का बहुत सारे यहाँ पे मेरे पास है सर, नॉर्वे बहुत सारे आते सर। जबरदस्त जी, मैं क्लोज आपको भी करा देता हूँ। ठीक है, आखिर में मैं आपको पत्थर का सनम भी दिखा देता हूँ, किसी भाई ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना के गए हैं जी। क्या बात है, बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आपने टाइम दिया हमसे बात की। बहुत शुक्रिया।